हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो है पाइथन में फाइव फाइव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछा जा सकते हैं, क्योंकि यह फाइव क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। तो जो आज मैं आपके साथ उस क्वेश्चन के साथ उसका आंसर शेयर करूँ, तो जो है यह वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिए। देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन यह है कि जो क्रिएट ए लिस्ट नेम प्रोडक्ट। सबसे पहले तो आपको एक प्रोडक्ट नाम का जो है लिस्ट क्रिएट करना है, उसके अंदर में डेटा क्या डालना है, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर, टेबल, पेन, मतलब फाइव डेटा आपको डालना है। सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करना है, उसके बाद फाइव डेटा डालना है, फिर जाकर उसके बाद क्या करना है। पहला नंबर टास्क दिया गया था ऐड वन मोर प्रोडक्ट इन सेम लिस्ट, एक और प्रोडक्ट उसमें ऐड करना है। डिस्प्ले द इंटायर लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर जाकर वह सारा लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर पे जो है डिस्प्ले करना है। फिर जाकर ऐड वन मोर प्रोडक्ट एट द सेकेंड इंडेक्स विद द नेम इज रिस्ट वॉच। तो देख सकते हैं यह जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है फिर से एक नया प्रोडक्ट ऐड कीजिए, लेकिन इस बार यह प्रोडक्ट हमें सेकेंड इंडेक्स पे चाहिए, जैसे कि 0, 1, 2, 3 इस टाइप पे होता है। तो हमें सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा वो जिधर पर ही, लेकिन और इस जगह पर ही जो आपको जो है आपको लिखना है हैंड बैग। ओके फ्रेंड्स, तो फिर जाकर इसमें जब फिर जाकर उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटायर लिस्ट, फिर जाकर उसके बाद लेंथ आपको बताना रहेगा कि जो इसमें कितना लेंथ है क्या नहीं। फिर रिमूव द आइटम प्रेजेंट एट द थर्ड लोकेशन। तो अगर आपको यह आता है तो अब आसानी तरीके से आप जो है कर सकते हैं। तो आप पहले जो इसे जो है वीडियो को पॉज करके इसे अपने से एक बार प्रयास कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह मुझसे इंटरव्यू के टाइम जब प्रैक्टिकली इंटरव्यू हुआ था तो तब जाके यह सब चीज़ पूछा गया था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। मैं जो है यह आंसर लेकर आता हूँ। देख सकते हैं लिस्ट, अब जब भी जो है लिस्ट एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इसमें आप जो है आसानी तरीके से कोई भी डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन टपल में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि टपल एक तरह का इम्यूटेबल डेटा टाइप है, जिसमें हम लोग जब जब यह क्रिएट हो जाता है तब आप जो उसे चेंज नहीं कर सकते, ना उसमें किसी भी तरह का वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसी कारण से यह ऐसा क्वेश्चन आपको लिस्ट में ही देखने को मिलेगा, टपल में नहीं मिलेगा, क्योंकि टपल में बस एक इंस्टेंट लिख दिया गया, बस हो गया, वह एक फिक्स है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना था, इसमें क्रिएट लिस्ट करना था मोबाइल, लैपटॉप, चेयर का। तो सबसे पहले लिस्ट ही लिख दीजिए, इसका नाम प्रोडक्ट है, नेम प्रोडक्ट, तो आप इस जगह प्रोडक्ट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोडक्ट इक्वल टू क्या, मोबाइल, स्क्वायर ब्रैकेट है ये, तो आपको मस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ही इसे लेना पड़ेगा, लैपटॉप, चेयर, टेबल, पेन। अगर आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट ना लेकर पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लेंगे तो आपका जो है यह जो है डेटा टाइप चेंज होकर यह आपका लिस्ट डेटा टाइप, टपल डेटा टाइप में यह आ जाएगा, देखिएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। और आपका यह आंसर वो लोग मास्टर लोग उधर से गलती कर देंगे, टाइप लिस्ट। तो इसे हम लोग चेक करते हैं, रन करते हैं, देख सकते हैं कि यह हमारा टपल आ गया, देख सकते हैं। तो इसी कारण से यह हमें टपल में नहीं चाहिए था ना, हमें तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में चाहिए। तो इसी कारण से आप हमेशा एक बात याद रखें कि जो लिस्ट हमारा हमेशा आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहता है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर में टपल रहता है। तो देख सकते हैं अभी ये हमारे पास लिस्ट अवेलेबल हो गया, मतलब ये हमने पहला टास्क कर दिया। अब हमें करना है ऐड वन मोर प्रोडक्ट इन द सेम लिस्ट हैंडबैग। मुझे इसी में चाहिए कि हैंडबैग एक और नया प्रोडक्ट ऐड हो जाए, उसके लिए हम लोग अपेंड मेथड का यूज करेंगे, लिस्ट डॉट अपेंड, क्योंकि हमें इसमें संकेत नहीं दिया गया है कि जो हमें किस जगह पर ही हैंडबैग लाना है। तो इसी कारण से हम लोग बस लिस्ट डॉट अपेंड करेंगे, हैंडबैग कर देंगे, सिंपल सा प्रिंट करेंगे। तो अपेंड करने से देख सकते हैं आखिरी में यह डेटा इनपुट इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिस्प्ले द इंटायर लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अब जाकर हमें इंटायर लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सिंपल सा बस केवल आपको सॉर्ट फंक्शन का यूज कर देना है, लिस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है। लिस्ट डॉट सॉर्ट से क्या होगा कि जो यह सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपसे अगर पूछ जाए और एक एक्स्ट्रा चीज की जो है इसको आप रिवर्स कैसे करेंगे, तो आप आसानी तरीके से रिवर्स मेथड का जो यूज करके इसे आप बता सकते हैं कि जो है लिस्ट डॉट
रिवर्स करके आप इसको आसानी तरीका से उल्टा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चेक करेंगे तो यह सब चीज उल्टा लिखा जाएगा, देख सकते हैं। सबसे पहले टी, फिर आखिरी से अब स्टार्ट हो गया, ये यह बोले इसका ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको बोले थे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप रिवर्स करके डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी डेटा को आप आसानी तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। अब एड वन मोर प्रोडक्ट एट द सेकेंड इंडेक्स नेम रिस्ट वॉच। एक नया नेम ऐड करने के लिए आपको इंसर्ट का यूज करना पड़ेगा, देख सकते हैं हमने यही लिस्ट चल रहा है, इसी लिस्ट पे सारा वर्क हो रहा है। लिस्ट डॉट इंसर्ट वन, वन मैंने इसलिए लिया क्योंकि सेकेंड इंडेक्स बोला है तो आपको पता होना चाहिए कि यह हमारा 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से चलता है। तो 0 और 1 इस जगह पर ही हमें रिस्ट वॉच लिखना है जो अभी लैपटॉप लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा लिस्ट डॉट इंसर्ट करेंगे 1, रिस्ट वॉच प्रिंट लिस्ट, इसको लेकर इंटर कर देंगे तो देख सकते हैं यह सेकेंड पे प्रिंट हो गया। और फ्रेंड्स, यह फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे भी अगर पाइथन का जब भी इंटरव्यू होगा तो आपसे इसी टाइप का लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे अलग कोई लेवल नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं फिर। अगर लेंथ इसका चेक करने बोला था तो लेंथ में चेक कर सकते हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 लेंथ है। लिस्ट डॉट पॉप टू, अभी यह हमें क्यों क्यों किया गया है, क्योंकि देख सकते हैं रिमूव दी आइटम एट दी थर्ड लोकेशन, जो तीसरा लोकेशन पे जो है वो आइटम को रिमूव कीजिए, मतलब 1, 0, 1, 2, 3, मतलब यह मोबाइल को रिमूव करने के लिए बात किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट डॉट पॉप टू, क्योंकि 0, 1, 2 देख सकते हैं यह जो हमारा जो है पेन है, सॉरी 0, 1, 2, 3 काउंट में ऐसे करना है। बाद बाकी अगर आपको डिलीट करना है तो आपको 0 से स्टार्ट करना है, बाद बाकी यह तो डायरेक्ट लिखा है थर्ड, तो आपको 1, 2, 3 मतलब पेन वाला आपको डिलीट करना है। तो पॉप टू डिलीट करने के लिए अब हमारा आता है 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट होता है ना, तो इसी कारण से करने से देख सकते हैं पेन यहाँ पर ये अब ये हट गया। अगर आप चेक करेंगे इसका लेंथ तो अब इसका लेंथ 6 हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आपको यह वाला पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए और जो है अपना इसका आंसर अपने से बनाने का तैयारी कीजिए। चलिए अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी अपना जो है बनाकर एक बार चेक कर लीजिए कि जो है फिर मैं आपको यह इसका आंसर शो करूंगा। क्रिएट लिस्ट नेम वेजिस विथ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग पाइथन, मतलब बोलने का है कि इसमें भी बोला जा रहा है कि लिस्ट को क्रिएट कीजिए वेजिस नाम का, उसके अंदर में इतना सारे वेजिटेबल का डेटा डालिए। फिर पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द कोड यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट व्हेन वेजिटेबल इज पम्पकिन, अगर हमारा पंपकिन जहाँ आएगा वहां से यह स्टेटमेंट टूट जाएगा, मतलब उसका आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। एल्स प्रिंट दी नेम, राइट सेकेंड में पूछा जा रहा है हमसे, राइट दी कोड यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट व्हेन वेजिटेबल इज पंपकिन, एल्स प्रिंट दी नेम। इसमें बोला जा रहा है कि अगर आपका पंपकिन है तो वहां से जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जो है इसे आंसर लाता हूँ, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, देख सकते हैं कि जो है गलती से जो है वो वाला डेटा भी जो है डिलीट हो गया है, तो जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और एक बार जो है इसे टाइप कर देता हूँ। वेजिस इक्वल टू, यहाँ पर ही हमें लिखना है सिंपल सा, आपको भी ऐसे ऐसे ही लिखना है जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, तो फ्रेंड्स आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि क्योंकि डेटा टाइप में एक ही डेटा टाइप ऐसा आता है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, और इसमें बहुत सारा इंटरव्यू के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सेम आपका जो है सेट में भी, सेट डेटा टाइप में भी जो हो जाएगा, डिक्शनरी में भी हो जाएगा, देख सकते हैं कि अब ये हमारे पास इस जगह क्रिएट हो गया, तो मैं इस जगह पेजेस दे देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं कि जो आसानी तरीके से लिस्ट हमने क्रिएट कर दिया, इसे रन कर देता हूँ तो देख सकते हैं कि इतना लिस्ट हमारे पास बहुत ही आसानी तरीके से लिखा गया है,
पहला था हमारा ब्रेक हो जाना चाहिए जहां भी हमारा पंपकिन आएगा, मतलब इसके आगे नहीं बढ़ना है। कॉलीफ्लावर ट्रिम ये सब हमें नहीं चाहिए, ना पंपकिन चाहिए। जहां आएगा उस जगह रुक जाएगा, तो इसका मतलब बोलने का कि इसका इधर का सारा डेटा दे देगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। फॉर वेजी इन वेजीज, या वेजी मैंने अलग लिया है, देख सकते हैं इसमें एस है, इसमें एस नहीं है, अपने से नाम लिया है क्योंकि हमें ब्रेक कराना है। इफ वेजी इक्वल टू पंपकिन, अगर यह पंपकिन तक पहुंचेगा, इस जगह तक पहुंचेगा यह रेंज, तो वहां से हमें क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक। और एल्स नहीं तो तब तक हमें भेजी प्रिंट करते रहना है, एल्स में है ना, भेजी प्रिंट करते रहना है जब तक पंपकिन तक ना पहुंच जाए। तो इसको हम रन करेंगे तो देख सकते हैं ओनियन टोमेटो पीस, ओनियन टोमेटो पीस, ये तीन डेटा ही दिया क्योंकि पंपकिन से हमारा ब्रेक हो गया है। ठीक है, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट इसका जस्ट मतलब सिंपल सा है, इसको पूरा कॉपी करके भी आप इस जगह डाल दीजिए, बस केवल आपको यह कंटिन्यू को जो है इधर पर ही लिखना पड़ेगा, ब्रेक का जगह कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, अब इसे इसमें आप चेक कर लीजिए तो देख सकते हैं कि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट में यह पंपकिन हट चुका है, बस कल जिसको आपको हटाना है वह आप इधर पर ही लिख दीजिए और आपका वह डेटा सही जगह पर ही रेंज से वह क्लीन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास क्या था कि जो पूछा गया था कि जो आप ऑटोमेटिक टेबल बना, टेबल बताइए कि आप ऑटोमेटिक टेबल किस तरह से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो है, और वह जो है डेटा इंटर ए लेवल में मतलब के देना है, यूजर इनपुट होना चाहिए। तो हमने टेबल इस जगह पर दिया है इंट इनपुट इंटर ए टेबल नंबर। ठीक है, टेबल नंबर फॉर एक्स इन रेंज 1,11, क्योंकि आपको पता होगा टेबल 1 से लेकर 10 तक रहता है, लेकिन जब भी आप रेंज का यूज कर रहे हैं तो आपको 1,11 लिखना पड़ता है क्योंकि यह इस जगह पर एक कम में लेता है। अगर आप इस जगह 10 लेंगे तो इसका मतलब आप 9 तक ही जो है टेबल देखना चाहते हैं, जैसे 2 × 9 18 तक ही, 2 × 10 20 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो अगर यह सही है 1 से 10 तक जाएगा तो प्रिंट क्या कराना है, टेबल। टेबल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि, एक सेकेंड मैं आपको जो है डेमो दे देता हूँ एक, तो कि टेबल कैसे होता है, 20 × 1 = 20, इसी टाइप का होता है ना फ्रेंड। अगर 20 का टेबल लिखेंगे तो इस टाइप का होना चाहिए। तो हमारा यह 20 किस में है आप देखेंगे, तो सबसे पहले तो इस जगह पर ही हम लोग डालेंगे इनपुट, इस जगह हमें 20 का टेबल चाहिए तो इस जगह पर ही 20, तो 20 हमारे किस में है, टेबल में। तो इसलिए हमने बस कर सिंपल सा टेबल लिखा। अब अगर अगर आपको यह सब साइन करा आवश्यकता पड़ता है तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा कीजिए। याद रखिए फ्रेंड्स, यह साइन हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखिए, आपका कोई भी मैथ नहीं छूटेगा। देख सकते हैं इस जगह पर मल्टीप्लाई का साइन दिया है मैंने, कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, फिर कॉमा दिया, फिर एक्स लिखा हूं। क्यों, क्योंकि 1 लाना है, 1 तो हमारा यह एक्स ही रहना, रेंज तो हमारा एक्स में चल रहा है। ठीक है, अब कॉमा फिर दिया हूं, फिर इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन यह इस चीज के लिए क्योंकि इक्वल टू, फिर टेबल मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि हमें 20 कैसे मिला है, टेबल को मल्टीप्लाई करके 20 × x का मतलब हो गया, क्योंकि हमें 20 × 1 20 × 2 इस टाइप में आते रहेगा। तो जैसे ही हम लोग इसे रन करेंगे तो इधर आपसे कोई एक नंबर मांगेगा। अगर आप देखना चाहते हैं 48 का टेबल, तो इसको लिखकर आपको कोड को रन नहीं करना है, इंटर मारना है केवल। इंटर मारेंगे तो देख सकते हैं कि कितना आसानी तरीके से आपने यह टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है फ्रेंड, यह फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा गया है और आपसे भी जो पूछा जा सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन हमारे पास जो है जब हमें मिला था तो यह 10 10 पॉइंट्स के लिए यह क्वेश्चन दिया गया था। तो देख सकते हैं कि जो क्रिएट ए फंक्शन टू काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए नंबर इन ए लिस्ट यूजिंग ए डिक्शनरी इन पाइथन, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर टू मेक ए लिस्ट। बस इसका मतलब बोलने का है कि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, कि जैसे मैं कि इस एक मिनट में समझा देता हूँ। जैसे मैं आपके पास एक डेटा दिया हुआ है इस तरह का, ठीक है फ्रेंड, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का डेटा दिया हो, अगर आपको यह तो फिलहाल के लिए जो है छोटा डेटा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपको पता है कि इसमें जो है मतलब 50 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है, 80, लेकिन बहुत बार रिपीटेड है, तो वह कितना बार लिखा हुआ है 50, 100, 80, 20,
कितना बार, तो यह आपको आसानी तरीके से बता देगा। तो देख सकते हैं कि इसमें 12, 12, 14, 52, 63, 12, 17, 15। तो फ्रीक्वेंसी क्या, इसी काउंट क्या करना चाहता है कि हमें पता होना चाहिए कि 12 कितना बार दिया है। तो बस लिख देगा कि 12 तीन बार दिया है, 14 वन बार दिया है, 52 वन बार दिया है, 63 वन बार, 17 वन बार, 15 वन बार। तो आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको अगर यह करने आता है तो आसानी तरीके से आप जो है वीडियो अभी पॉज कर लीजिए और जो है यह क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए कि जो है आप कैसे यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाद बाकी प्रॉब्लम उतना ही है, अगर आप और भी अच्छा तरह से जो सॉल्व कर सकते हैं तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो डिफाइन करना है काउंट फ्रीक्वेंसी का नाम से हम लोग डिफाइन करते हैं क्रिएट नंबर लिस्ट। अभी हम लोग जो है लिस्ट इनपुटिस लिस्ट अभी जो है रखे हैं क्योंकि हमें उस जगह पर ही बताना पड़ेगा कि आपका में कितना नंबर का लिस्ट है। जैसे में कि 50 नंबर का लिस्ट है तो 50 लिखना पड़ेगा, 50, 60 इस टाइप में। फिर जाकर नंबर देख सकते हैं, गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट फ्रॉम द यूजर। तो यूजर से हमें लेने के लिए क्या किया, हम लोग एक एन नाम का वेरिएबल ले लिए, इंट इनपुट इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें डालना है कि आपके पास कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। जिस टाइप में था यह कि जो जैसे कि आपके पास है 20 है, 12 है, 14 है, 13 है, 16 है, 18 है, ठीक है, इस टाइप का आपके पास डेटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके पास इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट लिस्ट कितना है आपको बताना, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेटा है। ठीक है, तो आपको जो बताना है कि हाँ भाई मुझे 6 डेटा में से चाहिए, पता करो। तो बस ऑटोमेटिक बस के आप इधर पर 6 लिखिए या नंबर लिख दीजिए तो ऑटोमेटिक वह काउंट कर लेगा। फिर फॉर आई इन रेंज एन नंबर इंट इनपुट इंटर द नंबर आई, देख सकते हैं यह एन, यह वाला एन को लिया गया है, यह जितना भी जाएगा इस जगह पर फिल दी लिस्ट, तो आई प्लस वन हर एक बार यह जो है बढ़ते रहेगा। ठीक है, फिर जाकर इसे हम अपेंड कर देंगे यह वाला नाम से, देख सकते हैं इस जगह पर। अब हम लोग जो इस जगह पर फ्रीक्वेंसी का डिक्शनरी बताएंगे बनाइए, इस जगह पर ही हमारा यूजर का इनपुट बन गया। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी का बनाने के लिए काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच नंबर इन द लिस्ट फॉर्म इन नंबर लिस्ट। सबसे पहले हम लोग नंबर लिस्ट से जो चेक करेंगे तो ऊपर में आप देख सकते हैं जो नंबर लिस्ट हमने इस जगह डिफाइन कर रखा था यह वह चीज इस जगह पर हम लोग इसका यूज करेंगे। इफ नंबर इन फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी, अगर नंबर फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में है, ई फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में, तो प्लस इक्वल टू वन हो जाएगा, एल्स फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी इक्वल टू वन। ठीक है, नहीं फिर जाएगा प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर इन द लिस्ट, जितना है उतना प्रिंट कराने के लिए फॉर नम कॉमा फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी डॉट आइटम्स प्रिंट नंबर फ्रीक्वेंसी काउंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, यह थोड़ा सा जो है लेंदी लेंदी मेथड है, मतलब बड़ा प्रोसेस दे दिया है। तो अगर आप इसे, मैं तो जो है यदि इतना बड़े में जो बनाया था, अगर आप इसे कुछ शॉर्ट में अगर कर सकते हैं तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। बाद बाकी इससे शॉर्ट तो हो नहीं सकता है यह चीज। ठीक है, तो फिर जो यह कोड को हम लोग जो है रन करते हैं। जैसे ही रन किए तो हमसे मांगेगा कि इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, लिस्ट में कितना नंबर चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि सर हमारे पास 5 नंबर है। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड्स गलती मत कीजिएगा, इंटर मारिएगा, रन को टेक क्लिक करेंगे तो आपका जो है इरर आने का प्रॉब्लम। तो अब पूछ रहे कि आपका पहला क्या है, जैसे मैं कि मैं बताना चाहता हूँ यह क्या पूछना पूछ रहा है कि जैसे आपके पास डेटा इस, ठीक है, इस टाइप का आपके पास डेटा है तो यह नंबर ऑफ लिस्ट वही पूछा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको इस जगह पर ही हल लिखना पड़ेगा कि हमारे पास 6 है। ठीक है, तो अब हम लोग इस जगह पर ही बोल रहे हैं कि पहला नंबर बताइए, 5 है। तो हम लोग रिपीटेड नंबर लेकर काउंट के चेक करेंगे कि बता रहा है कि 10, 10, 14, 14, 12। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग इंटर मारेंगे तो देख सकते हैं कि इस जगह पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर इन द लिस्ट हमें बताया गया है कि जो आपने 10 लिखा है वह 2 बार आया है, देख सकते हैं। तो आप बोलेंगे यस सर 10 तो 2 बार आया है। 14 कितना बार आया है, तो 14 भी 2 बार आया है, आप देख सकते हैं। और 12 कितना बार आया है, तो 12 एक बार आया है। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, आपसे भी पूछा जा सकता है,
तो इसी कारण से आप भी जो है आसानी तरीके से इसका तैयारी करके रखे रहिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना। और या तो फ्रेंड्स कुछ पूछा जाएगा लिस्ट वाला, पूरा फुल प्रैक्टिस करके रखे रहिए। अगर आपको आता होगा यह चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस करके रखे रहिए। तो देख सकते हैं फिर जाकर हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास आशा करते हैं कि आपने पाइथन में क्लास पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्लास और ऑब्जेक्ट के में एक नया सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पाइथन क्लास बस कुछ नहीं है, वह एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, डिफाइनिंग ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे मैं पाइथन क्लास पे जो है एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, उसका आप टेंशन मत लीजिए। टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट बाय टेकिंग ऑल थ्री डेटा, मतलब बोलने का एक क्लास का यूज करके आप जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है बताइए। ऑल थ्री डेटा मतलब सिंपल इंटरेस्ट में तीन डेटा का यूज होता है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड, पी इंटू आर इंटू टी, और यह सबका जो है जब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 100, नहीं सॉरी इस जगह नहीं, देखते यह हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हमें सिंपल में अगर बोलता कि जो है भाई सिंपल में बताओ बिना क्लास क्रिएट किए, तो तब तो आप आसानी से बस केवल जो है डिफाइन करते हैं, आसानी तरीके से इसे कर सकते हैं। तो रुकिए एक मिनट, मैं आपको जो है सिंपल में भी जो है जो करके बता देता हूँ कि आप सिंपल में अगर आपसे पूछता तो आप क्या कर सकते थे। तो आप सिंपल से जो फटाफट लिख देते हैं पी इक्वल टू, अब हमारा इंट इनपुट इंटर प्रिंसिपल, ठीक है। इंटर प्रिंसिपल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे आर, आर में भी हम लोग सेम लिखेंगे इंट इनपुट इंटर रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, इसमें भी सेम बस लिखना है इंटर टाइम, ठीक है। फिर यह मैं अभी सबको सिंपल में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जो इस जगह पर ही जो है लिख दीजिए पी आर टी, ठीक है। पी आर टी का अब हम लोग क्या करेंगे, इस जगह सिंपल में पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, ये आपका हो गया। अब हम लोग इस जगह पर ही ऐसा ही लिखेंगे इक्वल टू पी आर टी, यह वाला पी आर टी में हम लोग 100 से जब डिवाइड दे देते हैं तो आपका ऐसा ही निकल जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमने अगर क्लास में अगर क्रिएट करने नहीं बोलता तो हम लोग कितना आसानी तरीके से 5-2 मिनट में ही क्रिएट कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि यह जो है सही वर्क कर रहा है कि नहीं। प्रिंसिपल लिखना है तो मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 5000, ठीक। रेट बोल रहा है तो हम लोग ले लेते हैं 5% का रेट। टाइम हम लोग को 2 सर, तो देख सकते हैं 500 रुपीज इसका आया, क्योंकि हम यह तीनों को मल्टीप्लाई हुआ फिर जाकर 100 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो फिलहाल हमें यह करने नहीं बोला गया है, हमें बोला गया है क्लास में क्रिएट करके बताइए। तो क्लास में क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले सेल्फ क्रिएट करना रहता है। देख सकते हैं क्लास सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर डिफाइन इनिशिएट सेल्फ, सेल्फ में अब हम लोग जो है डिफाइन करते हैं सेल्फ डॉट प्रिंसिपल। सबसे पहले आपको डिफाइन कर लेना है 0, सेल्फ डॉट रेट 0, सेल्फ डॉट टाइम 0, यह आपको जो है डिफाइन कर लेना है सिंपल में, बस केवल इसे आप पहले डिफाइन करके रख लीजिए, ठीक है। फिर डिफाइन इनपुट डेटा सेल्फ, सेल्फ डॉट प्रिंसिपल, अब यही चीज है सेल्फ डॉट प्रिंसिपल इक्वल टू, अब हम अब इस जगह पर ही डेटा लिखना है तो इस जगह पर ही आप डेटा लिख सकते हैं। देख सकते हैं इस जगह फ्लॉट का यूज किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने इंट का यूज किया था। इंटर प्रिंसिपल अमाउंट से सेल्फ डॉट रेट में या सेल्फ डॉट टाइम में या सेल्फ डॉट कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, बस सिंपल सा इधर इतना करके आपको आना है। फिर जाकर इधर पर ही आना है डिफाइन कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट सेल्फ, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है सेल्फ, यह सब देख सकते हैं मल्टीप्लाई कर दिया गया तीनों को, फिर डिवाइड कर दिया 100 से। मतलब आप इससे भी निकालते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यह भी आपका जो है चल बन जाएगा, लेकिन इसमें आपको सेपरेट बोला गया है कि भाई क्लास में ही निकालना है। यह क्वेश्चन मुझे नहीं दिया गया था, मुझे
यही वाला निकालने दिया गया था, तो इसी कारण से मैंने प्रैक्टिस किया था, तो यह मैंने उस जगह पर ही बना दिया। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी यह चीज उस जगह पर ही बना देते। डिफाइन क्लास कर देंगे, देख सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड 100, कैलकुलेटर इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, यह वाला जो है देख सकते हैं, फिर जाकर इनपुट डेट। अब हम लोग इसे जैसे ही रन करेंगे तो देखिएगा, हम लोग यही इनपाउंड रखते हैं 5052 ना, तो हम लोग पहले लेंगे 5000, इधर पर ही हम लोग रखे थे 5, इधर पर ही हम लोग रखे थे 2, देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 5 आ गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, बस हमें इतना ही दिया गया था, बाद बाकी इसका इसका आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहेंगे तो, लेकिन वह फ्रेंड बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसी कारण से कंपाउंड इंटरेस्ट हमें हमसे नहीं पूछा जाता है। यह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी जो जो डिटेल है, देख सकते हैं सेल्फ डॉट कंपाउंड आ गया जाएगा, यह आपसे पूछा नहीं नहीं जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ है ये। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इस जगह पर क्लास इंटरेस्ट कैलकुलेटर में किस तरह से यह जो है लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर आसानी तरीके से प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस सब जगह का, मैं सबका स्क्रीन बता दिखा दे रहा हूँ आपको, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स अगले और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो मेरे चैनल को जो है थोड़ा थोड़ा अच्छा से जो है ग्रो कराते रहिए, मैं जो है इम्पोर्टेंट वीडियो ऐसी इसी तरह का और जो अभी जो है लाने ही वाला हूँ, और इसके बाद मैं आपको फ्रेंड्स स्टेटिस्टिक का जो है जो वीडियो लाऊंगा कि इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्योंकि यह मेरा खुद का आया हुआ है, तो इसी कारण से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो है आप लोग भी जो है समझ जाएं कि जो है मतलब किस टाइप से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी तरह का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका यह प्रैक्टिकली क्या 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 क्वेश्चन पूछेगा तो आपको नॉलेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा से भी बहुत अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहे और इस वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं और एक नए फ्रेश वीडियो में।